हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज की यूनिवर्सिटी अपडेट में AKTU पॉलिटेक्निक और साथ ही फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन योजना से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूज है। तो पहली न्यूज़ को कवर करते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ AKTU के 2207 छात्रों को मिला प्लेसमेंट। तो AKTU के सर्कुलर पोर्टल पर जो डिफरेंट कैंपस में जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कैंपस प्लेसमेंट, उसका हिस्सा बना करिए, क्योंकि उसी से ही जो है वो प्लेसमेंट हो रहा है। लगातार डिफरेंट लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा के डिफरेंट इंस्टीट्यूट में AKTU जो है प्लेसमेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है। आने वाले समय में इसकी संख्या और बढ़ती ही जाएगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रविधि विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री इंटरफेस सेल की ओर से हुए कैंपस प्लेसमेंट में विश्वविद्यालयों से संबंध कॉलेज में 2207 छात्रों का चयन TCS में हुआ है। BTech, MTech, MCA और 2093 छात्रों का 336,000 के सालाना पैकेज पर असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर ट्रेनी के पद पर चयन हुआ है, जबकि 114 छात्रों का चयन सिस्टम इंजीनियर के पद पर हुआ है। इन छात्रों को सालाना 7,30,000 रुपये जाएंगे। तो AKTU पे समय समय पर बहुत से इंस्टीट्यूट में ऑर्गेनाइज करते हैं कैंपस। अब ऑफलाइन कैंपस ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। AKTU से संबंध जितने भी कॉलेज हैं, जो 700 से अधिक भी कॉलेज हैं, वो इनके विद्यार्थी जो है इस जो है प्लेसमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। तो बढ़ चढ़ कर इस पर भाग दीजिए। 7 सेम में प्लेसमेंट होने लगते हैं और ज्वाइनिंग मिलते मिलते एग्जाम हो जाता है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, AKTU के प्लेसमेंट का जरूर हिस्सा बनिए। तो ये फर्स्ट न्यूज थी। अब चलते हैं पॉलिटेक्निक न्यूज की तरफ। अब यूपी के किसी भी पॉलिटेक्निक की जानकारी आप सिर्फ एक क्लिक में प्राप्त कर सकते हैं। आप देख रहे हैं प्रदेश भर के पॉलिटेक्निक की जानकारी अब एक क्लिक में। इसमें लिखा हुआ है कि जो पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है वहाँ पर स्टेट इंस्टीट्यूट रिसर्च फ्रेमवर्क पोर्टल भी तैयार किया जाएगा। इससे आपको संस्थानों के बारे में जानकारी मिल चुकेगी कि कौन जो भी पॉलिटेक्निक है वो किस रैंक पर है, वहाँ पर क्या क्या सुविधा है, कौन सी ट्रेड है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रदेश भर के पॉलिटेक्निक की जानकारी आप एक क्लिक में था करते। इसमें छात्रों के प्लेसमेंट, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिल जाएगी। प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने नेशनल इंस्टीट्यूट रिसर्च फ्रेमवर्क पोर्टल NIRF की तर्ज पर स्टेट इंस्टीट्यूट रिसर्च फ्रेमवर्क तैयार करने को कहा है। इसकी घोषणा माननीय योगी आदित्यनाथ पहले भी कर चुके हैं कि SIRF प्रोवाइड किया जाएगा। जिस हिसाब से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की रैंकिंग होती है, उसी तरह स्टेट लेवल पर अब जो तकनीकी संस्थान है उनकी भी रैंकिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो इससे ये होगा कि जो इंस्टीट्यूट जो स्टूडेंट है वो एडमिशन लेना चाहते तो उनसे ये रैंकिंग के माध्यम से उनको ये पता चल जाएगा कि किस तरह से वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या प्लेसमेंट है, क्या पढ़ाई है, और इसके साथ ही इंस्टीट्यूट एक अच्छी रैंक के लिए भी जो है वो इस रेस में आएंगे और अपनी गुणवत्ता में सुधार करने की कोशिश करेंगे। संस्थानों की रैंकिंग जारी होने से छात्रों को दाखिले में बेहतर संस्थान चुनने में आसानी होगी। रैंकिंग में पिछड़े नहीं, इसके लिए संस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता को बरकरार रखने का प्रयास प्रिंसिपल करेंगे। प्लेसमेंट भी पैरामीटर में शामिल है। ऐसे में संस्थान ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को नौकरी दिलाने का प्रयास करेंगे। तो ये पिछले साल था कि एक SIRF रैंकिंग स्टार्ट होने वाली है, जिसमें देश यूपी के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनको एक रैंकिंग प्रोवाइड की जाएगी और यह इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दिस इज द सेकेंड लेटेस्ट अपडेट। अब चलते हैं यूपी फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन योजना में सरकार की क्या योजना है उस तरफ। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ योगी आदित्यनाथ सरकार 100 दिनों में उत्तर प्रदेश के 9.74 लाख युवाओं को देगी टैबलेट स्मार्टफोन योजना। पूरी न्यूज ये है कि उत्तर प्रदेश में युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए 9.74 लाख 9,74,000 स्टूडेंट को 100 दिन के अंदर स्मार्टफोन टैबलेट की दिया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक जिले में छात्र छात्राओं को चिन्हित किया जा रहा है। IT व इलेक्ट्रॉनिक द्वारा तैयार किए गए एजेंडे में उत्तर प्रदेश साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को लागू किया जाएगा। इसकी मदद से प्रदेश के समस्त विभागों और नागरिकों को डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। तो जानने वाली बात यहाँ यह है कि 100 दिन के अंदर 9,74,000 युवाओं को जो है वो टैबलेट और स्मार्टफोन देने की योजना है। माननीय योगी आदित्यनाथ की दूसरी पारी शुरू करने के बाद इस पर कार्य जोर शोर से किया जा रहा है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन वो आपके इंस्टीट्यूट से मिलेगी, चाहे आप टेक्निकल स्टूडेंट हो, चाहे आप नॉन टेक्निकल स्टूडेंट हो, ना डिजी पोर्टल पर जाना है, मिलेगा सभी को। 100 दिन का मतलब हो गया कम से कम अगस्त तक, अप्रैल चल रहा है, मैक्सिमम अगस्त तक सभी को वितरित हो जाएगा, ताकि अपने नए आने वाले सेशन में आप लोग इस यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना का लाभ उठ सके।
सरकार इस पर पूरी तरह से कार्यरत है और बहुत तेजी से इस पर काम हो रहा है। तो 100 दिनों के अंदर योगी गवर्नमेंट 9.75 लाख लोगों को यूपी फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन योजना का लाभ देगी। तो दिस इज द लेटेस्ट अपडेट। फॉर मोर अपडेट कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। थैंक यू वेरी मच।